हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको और सभी गार्जियंस को जो है नमन करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं और बात करने आया हूं आज हरियाणा बीएससी नर्सिंग की। मगर दोस्तों, हमारे हरियाणा में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? हरियाणा के अंदर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब निकलेगा, कौन कौन से कॉलेज हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या उनकी फीस है और कितनी उनमें सीटें हैं, कंप्लीट विश्लेषण करने वाला हूं। मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे हरियाणा के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, देखिए आपको इतना मालूम होना चाहिए बीएससी नर्सिंग आज के समय में एमबीबीएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है। और इस कोर्स को कौन कर सकता है? इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ट्वेल्थ के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपके पास में है और आपके पास एवरेज 45% आपके पास मार्क्स है या आपने इसी साल अभी एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज से 2-3 साल पहले ट्वेल्थ किया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज 17 वर्ष से लेकर के मेरे दोस्तों 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी के 28 या 30 वर्ष है तो भी अलग अलग कैटेगरी में छूट मिलती है, ठीक है। और 17 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। कुल मिला के अभी अगर आप 16.5 साल के हुए हैं तो भी ये फॉर्म लगा सकते हैं। तो अपने हरियाणा में पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर, ये मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन फॉर्म जारी करती है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, हमारे हरियाणा के अंदर जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है वो कौन कौन से हैं? एक तो है पीजीआईएमएस, ये है रोहतक के अंदर। इसमें मेरे दोस्तों 82 सीटें हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सभी सीटें लड़कियों के लिए हैं, ठीक है। और मेरे दोस्तों, अगली जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सैफीदन, और इसमें 66 सीटें और ये भी लड़कियों के लिए हैं। अब मेरे दोस्तों, तीसरी कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नर्सिंग कॉलेज, ये करनाल के अंदर है मेरे दोस्तों, और इस कॉलेज के अंदर जो सीटें हैं वो है 44। इन सीटों पर लड़की और लड़का दोनों ही फॉर्म भर सकता है मेरे दोस्तों। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज है जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं, बाकी ऊपर वाली दोनों ही मेरे दोस्तों कॉलेज जो हैं गर्ल्स के लिए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हरियाणा का हर एक भाई बहन का ये सपना होना चाहिए, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, तो मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग फील्ड बहुत सुरक्षित फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि सर, इनके अलावा भी क्या कोई हरियाणा में कॉलेज है क्या? हाँ, प्राइवेट कॉलेज हैं मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग की, और अगर उन प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओगे तो उनमें लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा डोनेशन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। अगर आप उस डोनेशन से बचना चाहते हैं, अगर उस फालतू की फीस से बचना चाहते हैं, तो जैसे ही मेरे दोस्तों हमारी ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकालती है, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकालती है, उस फॉर्म को भरना चाहिए। और उस फॉर्म में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, उस एग्जाम में बढ़िया नंबर आते हैं, तब तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर उसमें नंबर थोड़े कम आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल नाम मात्र की फीस में आपकी बीएससी नर्सिंग होगी, और अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो भी मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा फीस आपकी बच जाएगी। मतलब जो बच्चा एग्जाम देगा उसे फायदा ही है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं कि सर, हमें पढ़ना क्या है? ये जो फॉर्म निकलेगा तो इसमें मेरे दोस्तों हमें पढ़ना क्या, हमारा सिलेबस क्या रहेगा? तो देखिएगा, एक तो आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन मेन सब्जेक्ट हैं और इनका 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश और जीके जो हैं ये 15 और 10 नंबर की रहेगी। तो 4 टॉपिक इंग्लिश के हैं और 2-3 टॉपिक जीके के हैं, ये तो आप 10-15 दिन में पढ़ लोगे। मेन आपको 75 नंबर का ये मटेरियल तैयार करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको याद ये रखना है मेरे दोस्तों कि आपको इन पेपर के अंदर एवरेज, ठीक है ना, एवरेज 50 या 40% मार्क्स लाने भी जरूरी है, और इतने आप आराम से लेके आ जाओगे, मुझे मालूम है, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े हैं तो
तो सर जी ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ये वास्तव में कौन से क्लास की पूछी जाएगी? तो देखिएगा एनसीईआरटी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाएगी 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है हमारे हरियाणा में, चाहे आप पीजीएमआईएस रोहतक को मेरे दोस्तों जो है सिलेक्शन लेना चाहें, ठीक है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जाने का सपना रखते हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि चलो गवर्नमेंट में हो जाए तो ठीक, नहीं तो कम से कम प्राइवेट में तो होगा ही, तो अगर आप ये सपना देखते हैं मेरे दोस्तों तो आपको 11th एंड 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो कम से कम पढ़नी ही होगी, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है, आपका जो ये पेपर लगना है ये इंग्लिश मीडियम में होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, एक बेसिक इंग्लिश जो हर एक बच्चा पढ़ सकता है, क्या हिंदी मीडियम में जिसने 12th किया है क्या वो एग्जाम नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, और देते ही हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या फर्क है? फर्क तो वैसे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो काफ़ी सालों से बीएससी नर्सिंग करवा रहे हैं और उनके खुद के अपने हॉस्पिटल होते हैं मेरे दोस्तों, और वो फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है प्राइवेट कॉलेज में तो आपकी पर ईयर 60,000 रुपये फीस लगती है, ठीक है, लेकिन ये जो 60,000 रुपये हैं ये एससी एसटी और जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। और अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि सरकारी कॉलेज आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग करवाएगा। मैं फ्री की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि इन कॉलेजों में बहुत कम खर्चे हैं, ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप ऑनलाइन तैयारी किस तरह से करें। एक तो आपके फॉर्म कब तक आ जाएंगे इसको लेकर के भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अभी तक फॉर्म जारी नहीं हुए हैं, ठीक है। अब फॉर्म मेरे दोस्तों या तो इसी महीने के लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है ना, या जून मंथ के लास्ट तक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म का आपको इंतजार नहीं करना है, एग्जाम मेरे दोस्तों जब भी होगा उससे 45 दिन पहले फॉर्म निकलेंगे। और इस बार मेरे दोस्तों सितंबर महीने तक या अक्टूबर तक मेरे दोस्तों हरियाणा के अंदर पीजीएमआईएस रोहतक का, ठीक है, या मेरे दोस्तों मैं ये कहूँ कि बीडी शर्मा जो यूनिवर्सिटी है, पीटी बीडी शर्मा जो यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम पक्का होने ही वाले हैं। तो इसलिए आपको बहुत जबरदस्त ऑनलाइन तैयारी करनी पड़ेगी तभी जाकर के इस कोर्सेज में एडमिशन होगा। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको 899 रुपये में पूरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिल रहा है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। हमारा ऐप है मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन के नाम से और उसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके या प्ले स्टोर पर सीधा सर्च करके इस ऐप को खोल करके इस तरह का पोस्टर दिखेगा स्टोर वाले सेक्शन में, वहां पर जाकर आप बाय नाउ से करके सीधा पेमेंट कर सकते हैं। या आपको इंग्लिश मीडियम का कोर्स चाहिए मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग का तो आपको 1499 रुपये में मिलेगा। इस कोर्स में अभी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, आपको इस 1499 रुपये के कोर्स में 300 रुपये की मेरे दोस्तों जो है 300 रुपये के 15 मॉडल पेपर के सेट और मेरे दोस्तों क्वेश्चन बुकलेट फ्री में दी जा रही है। आप तुरंत मेरे दोस्तों इस कोर्स को बाय करिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों इसी कोर्स के द्वारा आप अन्य एम्स का एग्जाम भी दे सकते हो, राजस्थान का, बिहार का, यूपी का, और भी कोई अगर नर्सिंग फील्ड से, पैरामेडिकल से, फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस एक ही रहता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ोन के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम का ऑप्शन नहीं होता, तो वो बच्चे मेरे दोस्तों हमारे इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करवा करके भी अपना ऐप चालू करवा सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय में मेरे दोस्तों हज़ारों बच्चे विजय एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और हज़ारों बच्चे पर ईयर सेलेक्ट भी होते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप टारगेट लेकर के पढ़ते हो, अगर आपका सपना है, अगर आपका जुनून है, ठीक है, अगर आप अपने मम्मी पापा की आँखों का मेरे दोस्तों खुशी देखना चाहते हो, उन लोगों ने आपके लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करी है मेरे दोस्तों, और उस तपस्या का उनको अगर कोई फल देना चाहते हो तो वो है मेरे दोस्तों आपकी ईमानदार तैयारी से ली गई एक गवर्नमेंट सीट,
ठीक है ना, आप जम के मेहनत करिएगा बच्चों, ठीक है। पैसा लगभग सभी के पास होगा, यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है भी, तो इन प्राइवेट कॉलेजों को लाखों रुपए देने के लिए भी तो नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप फालतू में पैसा खर्च नहीं करें, आप जो है एक बार तैयारी करें, ताकि आपके लाखों रुपए बचेंगे और बिल्कुल कम फीस में आप सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए तैयारी आज से शुरू करिएगा, ऑनलाइन कोर्स ले लीजिएगा, और अगर आपकी पहले से तैयारी बहुत अच्छी है तो आप बिना ऑनलाइन कोर्स लिए भी घर से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ें और बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी या पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी मेरे दोस्तों सिलेक्शन पाएं, ठीक है। और कुछ सलाह अगर हमारी टीम से या मेरे से लेना चाहते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मेरे दोस्तों, मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।